Let's move on to third objective. If in hydrogen atom radius of nth orbit is Rn, frequency of revolution of electron in nth orbit is Fn, the area enclosed by nth orbit is An, then which of the following graph is correct? Now once again, problem bana diya hai. Radius versus n, jo A option hai radius versus n hai, to uske liye main radius ke liye equation likho. Radius is given by 0.5 into n square by z armstrong. So radius of nth orbit is directly proportional to n square. तो रेडियस वर्सेस n यदि हम प्लॉट करेंगे, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वर्सेस n यदि हम प्लॉट करेंगे, तो वह पैराबोलिक होएगा. हेंस ए ऑप्शन इज करेक्ट. यह जो ए ऑप्शन है यह तो बिल्कुल सही दिख रहा है. अब बी ऑप्शन है log ऑफ Rn अपॉन R1 वर्सेस log n. तो अब इधर मैं लिखूंगा log ऑफ Rn इज 0.53 n स्क्वायर, और log ऑफ R1 जो मैं लिखूंगा दैट इज 0.53 into 1 स्क्वायर बाय z. तो Rn अपॉन R1 जब मैं करूंगा तो यह चीज कैंसिल और यह n स्क्वायर हो जाएगी. और जब मैं इसका log लूंगा, log, तो log ऑफ Rn अपॉन R1 इज 2 log n. तो log Rn अपॉन R1 अपॉन वर्सेस log n, यह एक स्ट्रेट लाइन होएगा. बिल्कुल सही. यह तो मैंने A के लिए सोचा और यह इक्वेशन B के लिए. तो B ऑप्शन में जो log ऑफ Rn अपॉन R1 वर्सेस log n जो बनाया है ग्राफ, यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होएगा और इसका स्लोप होएगा 2. न केवल मैं ग्राफ बना रहा हूं बल्कि एडिशनल जानकारी भी लिख रहा हूं कि यह पैराबोलिक है. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ए और बी यह दोनों ही ऑप्शन सही हुए. अब हम सी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं. लॉग ऑफ ए एन बाय ए वन अपॉन वर्सेस लॉग आर. अब देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. मैं कलर चेंज कर देता हूं. एरिया इज पाई आर स्क्वायर और ए एन मैं लिखूंगा पाई आर एन स्क्वायर और ए वन मैं लिखूंगा पाई आर वन स्क्वायर. और फिर मैं लॉग ऑफ ए एन अपॉन ए वन जब करूंगा तो पाई पाई कैंसल्ड, लॉग ऑफ आर एन अपॉन आर वन और टू बार आगे आएगा. तो अब log ऑफ Rn अपॉन R1, log ऑफ An अपॉन A1, यह तो मुझको y एक्सिस पर दिख ही रहा है, और 2 टाइम्स log ऑफ Rn, log ऑफ R माइनस log ऑफ R1, और यह एक कांस्टेंट है. log R1 एक कांस्टेंट है. तो यह भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तो दिख रही है, यह भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है. ऑल्दो इसमें कुछ इंटरसेप्ट है, इसमें कुछ इंटरसेप्ट भी है. log An अपॉन A1 वर्सेस log ऑफ, इसको भी मैं Rn अपॉन R ही देखता हूं. x एक्सिस में जो है वो Rn अपॉन R ही देखता हूं, और मैं सी ऑप्शन को भी फिर गलत सही कह देता हूं. इस तरीके से इसको लिखकर log ऑफ an अपॉन a1
वर्सेस लॉग ऑफ आर एन अपॉन आर वन, यह स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी और इसका स्लोप भी 2 होगा। तो सी को भी मैं करेक्ट आंसर कहता हूं। अब डी, एफ एन, ऑल्दो यदि ये सिर्फ लॉग आर ही होता तो गलत होता, यदि वो वाकई में मिसप्रिंट है और लॉग आर ही है तो गलत है, क्योंकि फिर इंटरसेप्ट होना चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कुछ इंटरसेप्ट भी दिख रहा है स्ट्रेट लाइन के साथ में, तो स्ट्रेट लाइन इधर से ना होके कहीं नीचे से पास होगी। यदि यह log r ही है तो इस स्ट्रेट लाइन को फिर ऐसा होना चाहिए। सपोज इन दैट केस सी गलत हो जाएगा। अब डी वाला लॉग ऑफ एफ एन बाय एफ वर्सेस लॉग आर, अब फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी हमें दे रखी है और रेडियस हमें पता है। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन भी लिखता हूं, पहले मैं इन सबको साफ कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन जब हमें लिखना है तो फ्रीक्वेंसी और रेडियस में पहले रिलेट करें और हम अच्छी तरह से जानते हैं वेलोसिटी इज 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी, सो वेलोसिटी इज 2 पाई आर इनटू एफ। सो अब वेलोसिटी के लिए लिखता हूं 2.18 इनटू जेड बाय एन इंटू 10^6 भी इधर कॉन्स्टेंट से मुझे कोई खास मतलब नहीं रहेगा। 2 पाए आर की जगह मैं लिखूंगा 0.5 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू फ्रीक्वेंसी। ऑल दो इधर आर के टर्म्स में आर को नहीं हटाना है हमें, आर को तो लिखे रहने देना है। इनफैक्ट इन दिस सिचुएशन नाउ वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट वुड बिकम अ कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट वुड बिकम अ कॉन्स्टेंट, सो आर इंटू एफ इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई, और आई विल से लॉग आर प्लस लॉग एफ is equal to log of v by c, that would be a constant. Now if one plot for log f versus log r, तो यह ग्राफ फिर इस तरह का होना चाहिए, जबकि d में उनने बना रखा है इस तरह का ग्राफ, d में इसी के लिए इस तरह का ग्राफ बना रखा है और यह गलत है। Hence, the correct answer is A, B and C. A, B, C, यह तीनों ग्राफ तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, जबकि D वाला ग्राफ log F versus log R इस तरह का होना चाहिए और उन्हें बना इस तरह से रखा है। D वाला हम मार्क नहीं करेंगे, A, B और C मार्क कर देंगे। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन के, इस ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को देखिए, हमें यह इक्वेशंस और इनसे रिलेटेड थोड़ी मैथमेटिकल जगलिंग और थोड़ा ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसी समय थर्ड ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखने के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू 9th ऑब्जेक्टिव। लेट्स स्टार्ट रीडिंग 9th ऑब्जेक्टिव। अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज अ ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 122.4 ev। अब ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी मींस एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए एनर्जी। हम अच्छी तरह से जानते हैं डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन लाइक इज 13.6 इंटू 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट
बाइंडिंग एनर्जी जो टर्म लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से कंसेप्चुलाइज करेंगे कि डेल्टा ई की जगह तो हम 122.4 ईवी ही लिखेंगे, N1 की जगह हम 1 लिखेंगे और N2 की जगह पर हम इन्फिनिटी लिखेंगे। तो 122.4 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, एंड दिस गिव्स मी दैट जेड स्क्वायर इज 9 एंड जेड इज इक्वल टू 3, मीन्स इट्स लिथियम डायपॉजिटिव आयन। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा जो 9th ऑब्जेक्टिव में सिचुएशन दी है, और सिचुएशन को पढ़ते हैं सही मैं यह कंक्लूजन सबसे पहले लगा देता हूं। अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, ये तो बिल्कुल सही हो गया, z इक्वल टू 3, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रॉन विथ 19 ईवी एनर्जी कैन इंटरेक्ट विथ इट एंड एक्साइट विथ इट। अब इसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसी समय हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको मैं साइड में कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक दूसरे कलर से। एक्साइट करने के लिए मैं कहूंगा डेल्टा ई फ्रॉम 1 to 2, जो मिनिमम एनर्जी लगेगी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए, 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये कुछ 91.8 ईवी आएगा। मुझे इसी ऑप्शन से थोड़ा अंदाजा लग भी रहा है। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकेंड में ले जाने के लिए 91.8 ईवी एनर्जी चाहिए। अब एन इलेक्ट्रॉन विथ 19 ईवी एनर्जी कैन इंटरेक्ट विद इट, हम कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी 90 ईवी है और एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए 91.8। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ में इंटरैक्ट यदि करेगा भी तो उसे एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो जो बी ऑप्शन है वह गलत है, वह मार्क नहीं करेंगे। 19 ईवी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन उससे इंटरैक्ट करके उसको एक्साइट नहीं कर सकता, बी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। 80 ईवी इलेक्ट्रॉन इमर्जेस व्हेन 80 ईवी इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद इट, ये बिल्कुल सही है। 80 ईवी इलेक्ट्रॉन जब उससे इंटरैक्ट करेगा तो वह उसे एक्साइट तो कर नहीं पाएगा। 80 ईवी इज ऑल्सो लेस देन, भाई 90 ईवी इज लेस देन 91.8 ईवी, हेंस नो एक्साइटेशन। ये जो मैंने बी के लिए लॉजिक दिया यही लॉजिक मैं सी के लिए दूंगा कि 80 ईवी इज लेस देन 91.8 ईवी, हेंस नो एक्साइटेशन। और जब कोई एक्साइटेशन नहीं होएगा तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही बाहर निकल आएगा उससे इंटरेक्ट करके, उसके अंदर कोई हलचल कोई परिवर्तन नहीं ला सकेगा। अब डी ऑप्शन देखें, एन इलेक्ट्रॉन 8.2 ईवी एन ए फोटोन ऑफ 91.8 ईवी आर एमिटेड व्हेन 100 ईवी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद इट, नाउ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब इसके लॉजिक को समझो, यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक 100 ईवी का इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएगा तो वह 100 ईवी का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और उसे एक्साइट करके फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचा देगा और उसे एनर्जी दे देगा 91.8 ईवी की, और अपने पास बाकी बची हुई एनर्जी 8.2 ईवी की बाकी बची हुई एनर्जी लेकर बाहर आ जाएगा इंटरेक्ट करने के बाद। अब यह जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है जो फर्स्ट से सेकेंड में चला गया है, यह इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होएगा, यह दोबारा जब सेकेंड से फर्स्ट में आएगा
तो यहां 91.8 ईवी का ही एक फोटोन बाहर निकाल देगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो 100 ईवी का है यह हमें दे देगा इलेक्ट्रॉन ऑफ 8.2 ईवी प्लस अ फोटोन ऑफ 91.8 ईवी। इनफैक्ट हम आपको बता दें, जितने भी लैंप होते हैं, सोडियम लैंप होते हैं, मर्क्यूरी लैंप होते हैं, इनका यही प्रिंसिपल होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एनी ल्यूमिनेसेंट लैंप जो रोशनी करने के काम में आते हैं। वहां पर इसी तरह का कुछ फिनोमेना होता है कि एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से एमिट होता है, यह आसपास जो गैस के एटम्स हैं उनके साथ में इंटरैक्ट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है और उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में अपनी कुछ एनर्जी उन एटम को दे देता है और अपने पास में काफी कम एनर्जी लेकर बाहर निकलता है। और फिर वो जो एक्साइटेड एटम है उनके इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वह फोटॉन्स रेडिएट करते हैं और वह फोटॉन्स जब रेडिएट होते हैं तो विजिबल यदि रेंज में आते हैं तो हमें दिखाई देने लगते हैं। डी ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। और डी ऑप्शन को बड़े अच्छी तरह से समझना, उस फिजिकल फिनोमेना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए यह सारी बात तो बड़ी आसान थी, हमने एटॉमिक नंबर 3 कंक्लूड करा लिथियम आयन का और इस बात को भी समझना आसान था कि इस लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए 91.8 ईवी लगेगा। अब यदि हमने डी ऑप्शन को समझ लिया तो हम बी और सी, बी क्यों गलत है और सी क्यों सही है यह भी समझ जाएंगे। इस एटम में जब 100 ईवी का एक इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा तो 100 ईवी का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को सेकेंड स्टेट में पहुंचा देगा और अपनी 100 ईवी में से 91.8 ईवी इतनी एनर्जी वह खर्च कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। तो उसके पास बाकी जो एनर्जी है वो बची रह जाएगी और बाकी बची हुई एनर्जी के साथ में वो बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 8.2 ईवी के साथ में बाहर आ गया। अब जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, जो एक्साइट हुआ था, जो फर्स्ट से सेकंड में गया था, वह इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा और वो जब डी एक्साइट होगा तो 91.8 ईवी का एक फोटोन बाहर कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर आया, किसी गैशियस एटम से टकराया और किसी गैशियस एटम से टकराने के बाद अपने पास काफी कम एनर्जी बचाकर रखी और गैशियस एटम को जो एनर्जी दी वह गैशियस एटम ने दोबारा बाहर निकाल दी एक फोटॉन के रूप में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। इस 9th ऑब्जेक्टिव को बड़े ध्यान से समझिए। इस ऑब्जेक्टिव में जो फिजिक्स समझाई हुई है उसे समझना है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। और अब आप 11th ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और समझिए।